भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जा चुकी है। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद बीसीसीआई के नए सचिव के पद पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था और फाइनली उनके नाम का ऐलान भी हो चुका है। बता दें कि बीते कई सालों से इस बात की चर्चा तेज थी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया जा सकता है और ये बात आखिरकार सच निकली। गौरतलब है कि बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह को लेकर भारत में राजनीतिक तौर पर कई तरीके से कटाक्ष किए जाते रहे हैं। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीसीसीआई के सचिव के पद पर रहते हुए जय शाह की प्रतिभा पर सवाल खड़े किए। साथ ही ये पूछा जाता रहा कि आखिर कौन से एक्सपीरियंस के कारण बीसीसीआई के सचिव के तौर पर जय शाह का नॉमिनेशन किया गया है। ऐसे में इन सभी सवालों के बावजूद जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन के पद पर विराजेंगे। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बारकले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तीसरी कार्यकाल की दौड़ से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। इस खबर के सामने आने के बाद से ही जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें काफी तेज हो गई थी। सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर बारकले के कार्यकाल खत्म होने के बाद आईसीसी चेयरमैन के पद पर कौन विराजेगा। ऐसे में बीसीसीआई सचिव जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन के पद पर विराजेंगे। गौरतलब है कि आईसीसी में कई सारे फैसलों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सवालों के घेरे में रहती है। कई बार दूसरे देशों के खिलाड़ी इस बात का अंदेशा जताते हैं कि बीसीसीआई ही कहीं ना कहीं आईसीसी को कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से किसी भारतीय व्यक्ति के हाथ में आईसीसी की कमान आ चुकी है। गौरतलब है कि जय शाह को आईसीसी के 16 सदस्यों में से 15 सदस्यों का समर्थन हासिल है। ऐसे में उनका अगला आईसीसी चेयरमैन बनने का सपना भी पूरा हो चुका है। बीसीसीआई सचिव के तौर पर जय शाह का कार्यकाल सितंबर 2025 में खत्म होने वाला था, लेकिन आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जय शाह की जगह अब बीसीसीआई सचिव पद पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को दी जा चुकी है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी यह एक खुशखबरी है। बता दें कि आज नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन था। जय शाह ने नॉमिनेशन किया और आईसीसी के अन्य सदस्यों का समर्थन मिल गया। इस तरीके से जय शाह को निर्विरोध आईसीसी चेयरमैन चुना गया। जय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने वाले चौथे भारतीय हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार और शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। बता दें कि आईसीसी चेयरमैन के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 साल के टर्म होते हैं, लेकिन ग्रेग बारकले पहले ही 4 साल पूरे कर चुके हैं। बहरहाल ऐसे में उन्होंने फिर से इस पद पर बरकरार रहने के लिए इनकार कर दिया था। अब ग्रेग बारकले की जगह आईसीसी के नए चेयरमैन के तौर पर जय शाह अपनी कमान संभालेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।